ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना, प्रभु आप सदैव हमारे भ्राता के समान सहायक, उन्नति कारक, हमें सदैव ही अपने स्नेह व संरक्षण में आश्रय देने वाले परम कारुणिक मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्त शान्त शान्तिः। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आइए हम आज के विषय का आरंभ करते हैं। हम प्रतिदिन एक वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण, उसका अर्थ, उस वेद मंत्र से जीवन में उन्नति, जिसे मंत्र सिद्धि के नाम से भी हम जानते हैं, हम प्रतिदिन इस पर विचार कर रहे हैं। आइए आगे के विषय को देखते हैं। कल हमने जो मंत्र देखा था उसमें प्रजापति इस शब्द पर बहुत गंभीरता से विचार किया था। आज का जो मंत्र है, सनु बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना तृतीय धामन नध्यैरयन्ता। इस मंत्र पर हम आज विचार करेंगे। सबसे पहले इसका उच्चारण देखते हैं, अपने आज के विषय को आरंभ करते हैं। देखिए, स नो यह जो एक पद है स नो, इसमें हम प्रायः इसके उच्चारण में त्रुटि करते हैं।
इसको हम बहुत दीर्घ कर देते हैं, ये जो प्रथम सा है इसको हम बहुत दीर्घ करते हैं, सा नो बंधुर जनिता सविधाता, ऐसा प्रायः उच्चारण होता है, सभी का ऐसा ही होता है। एक वेद पाठी को छोड़ करके चाहे जो भी हो उन सबका यही उच्चारण है। इसको ठीक कर लीजिए सबसे पहले, सा नो, क्योंकि सा यहां पर ह्रस्व है और प्रथम अक्षर को दीर्घ करने का कोई नियम अभी मेरे समक्ष तो नहीं आया है कि प्रथम अक्षर को, वेद मंत्र के किसी प्रथम अक्षर को भी दीर्घ किया जाना चाहिए। इस आधार तो सा नो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुव नानि विश्वा यत्र देवा अमृत मान शानास त्रितीये, त्रि है ये, त्रि अमृत मान शानास त्रितीये धामन नद्यैर। देखो कैसे पदच्छेद कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, धामन नद्यैर यंता, ये इसका पदच्छेद। एक बार पुनः शीघ्रता से देख लीजिए और फिर हम आगे चलते। सनो बंधुर जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि, भुव नानी ऐसा होगा, विश्वा यत्र देवा अमृत मान शानास तृतीये धामन नद्यैर यंता। संहिता पाठ देख लीजिए एक बार और फिर आप सभी इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास् तृतीये धामन्नध्यैरयन्त, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। एक बार आप सभी उच्चारण कीजिए। बहुत सुंदर आपका उच्चारण। उच्चारण से संबंधित किसी को कोई ऐसा अक्षर है, कोई ऐसा शब्द है जो समझ में ना आया और पूछना चाहते हैं? यदि है तो शीघ्रता से पूछिए। नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं फिर। बहुत अच्छा, हे मनुष्यों, यहां से देखिए,
सह सह अर्थात वह कौन कौन प्रश्न हो सकता है। कह सह कह तो वही जो क्या है न बंधु अस्माकं बंधु अस्माकं जनिता। तो देखो कितनी कितना सुंदर शब्द संयोजन है। सह कह देखो कितना अच्छा है आगे। नह बंधु नह जनिता हम सबका जो बंधु है हम सबका जो भाई है भ्राता है और जनिता है सकल जगत का उत्पादक है। सह वही विधाता। विधाता शब्द से देखो कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं सब कामों का पूर्ण करने हारा किसी काम को आरंभ कर बीच में नहीं छोड़ता पूरा करता है। उसके नियम कैसे हैं एकदम अनुशासित हमारे भांति नहीं है। जैसे हम कई बार कई कामों को आरंभ करते हैं बीच में छोड़ देते हैं अथवा कई बार हम अपने अपना बचाव करते कहते छूट गया जी ऐसा क्यों। क्योंकि ऊपर वाले मंत्रों में हमने कई शब्दों से देखा था कि वह कैसा है धारण करता है अलग अलग शब्दों से अलग अलग पदों के आधार पर और उसका धारण करना कैसा है स्वाभाविक है कोई अलग से उसको प्रयास नहीं करना पड़ता जैसा कि पुरुष को करना पड़ता है आत्मा को करना पड़ता है जिसे अल्पज्ञ एक देशी पुरुष कहते ऐसा ऐसा है वह विधाता विशेष रूप से जो धारण करता है अर्थ किया सब कामों का पूर्ण करने वाला है। विश्वा संपूर्ण भुवनानी लोकमात्र एक शब्द है भुवन सातों भुवन ऐसा एक शब्द होता है सुनते हैं आप कि सातों भुवनों को जानने वाला। और जिसको देखो दूसरे आप इसको भी प्रतिदिन बोलते हैं सात भुवन देखो किस प्रकार से हैं ईश्वर के विषय में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम जी। और शरीर के भीतर भी देखो अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्व योद्धा योद्धा इत्यादि। तो यहां पर जो भुवनानि शब्द है वो लोकमात्र के लिए लोकमात्र बाहर भी होते और भीतर भी होते। कई लोग ऐसी शंका करते हैं ना ना भीतर नहीं होता कुछ। ऋषि ने तो एक शव का परीक्षण किया था उन्हें तो कुछ नहीं मिला। शव का परीक्षण स्थूल प्रयोग है जिनका हमें विवरण प्राप्त होता है वो स्थूल नहीं है। अष्टचक्रा वेद कह रहा और आप मना करते हो नहीं ऋषि ने मना किया है और तर्क क्या देते हैं ऋषि ने एक शव को चीर कर उसका परीक्षण किया था और देखा था कि चक्र नहीं है कहीं भी। तो चक्र क्या स्थूल वस्तु है क्या चक्र क्या का ये जो चक्र है क्या इनका प्रत्यक्ष क्या चक्षुओं से हो सकता है क्या ऐसा चक्र चक्षुओं के प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं। इसलिए तो लोकमात्र। अच्छा आप कहेंगे नहीं आप कैसे कह सकते हो तो देखो वही सबसे पहले ऋषि दयानंद भी स्वयं कहते हैं और सब ऋषि कहते हैं यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोतरानि। और इसको और दूसरे शब्दों में स्वामी दयानंद जी के शब्दों में देखो यदि कोई मेरी बात भी वेद और वेदानुकूल आर्ष ग्रंथों के विपरीत होवे उसको ठीक ठीक परीक्षण पूर्वक सत्य जान यथा
योग्य कर लेवे। तो यदि यदि हम ये भी माने कि स्वामी दयानंद जी ने किसी शव का परीक्षण किया, उसको चीर कर उसका परीक्षण किया यह जानने के लिए कि आठ चक्र कहां होते हैं, यदि इस बात को मान भी लिया जावे तब भी चक्र चक्षुओं का विषय नहीं है, चक्र मन का विषय भी नहीं है, ध्यान रखिए, चक्र को बुद्धि से भी नहीं देखा जा सकता, चक्र अनुभूति का विषय है, चक्र भीतर का प्रत्यक्ष है, किसी दूसरे के चक्रों को हम नहीं देख सकते, स्वयं के चक्रों को स्वयं ही देखना पड़ता है। बस इतना कहते हुए आगे चलता हूं, हमने स्वयं इस जीवन में भी प्रत्यक्ष किया है, बस इतना कहते हुए आगे चलता हूं। इसलिए किसी को यह शंका ना हो कि चक्र शब्द का तात्पर्य जो कह देते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक इतने चक्र होते हैं, मुख्य रूप से आठ। वेद का प्रमाण दे दिया, स्वयं का प्रत्यक्ष इस बात को बता दिया। तो ये अनावश्यक प्रलाप से हमें बचना चाहिए कि नहीं नहीं क्यों नहीं होते, प्रत्यक्ष का विषय है। और जो तर्क आप दे रहे हो उस तर्क में बिल्कुल भी जान है ही नहीं। जो आप ये कहते हो ऋषि दयानंद ने एक शव का परीक्षण किया था, तो भैया जो चक्र नामक व्यवस्था है, यद्यपि एक सावधानी यहां पर आपके साथ साझा किए चलता हूं, चक्रों के विषय में नहीं उलझना चाहिए। यदि आप चक्र को ही जिज्ञास से भाव से देखेंगे बस यही उलझ जाएंगे, आगे गति नहीं हो पाएगी। इसलिए उपासक को इससे सावधान रहना चाहिए। किंतु फिर भी मैं एक बात कहता हूं, चक्र नहीं है ऐसा कोई नहीं कह सकता, और यदि कोई कहता है तो झूठ बोलता, सीधी सी बात है। यदि कोई ऋषि दयानंद को आधार बनाकर के कहता चक्र नहीं होते तब भी झूठ बोलता है, क्योंकि चक्र चक्षुओं के प्रत्यक्ष का विषय बिल्कुल भी नहीं है, बुद्धि का भी नहीं है, मन का भी नहीं है, अहंकार का भी नहीं है, चित्त का भी नहीं है, चक्र आंतरिक अनुभूति का विषय है। अस्तु धामानी, देखो आगे कितना सुंदर संयोजन है, भुवनानी लोकमात्र और धामानी, नाम स्थान जन्मों को वेद जानता है। अब धामानी शब्द का यदि सामान्य संस्कृत जानने वाला अर्थ करेगा तो ज्यादा से ज्यादा धाम का बहुवचन यानी अनेकों धाम, जैसे बद्रीनाथ, जैसे केदारनाथ, और ये अर्थ होते हैं, ये मिलते हैं इस मंत्र से, ये अर्थ मिलते हैं कि धामानी शब्द का वो बहुवचन में अर्थ कर देते हैं, जैसे मित्रम मित्रे मित्राणी। लेकिन प्रकरण के अनुसार इस वेद मंत्र के प्रतिपाद्य विषय के अनुसार धामानी शब्द का देखो कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं, नाम स्थान जन्म, इन्हें कहते हैं धाम। भुवनानी लोकमात्र और धामानी, समस्त नाम समस्त स्थान समस्त जन्मों को वेद जानता है, और यत्र जिसमें अथवा जिस तृतीये सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त। अब आप ये कह सकते कि तृतीय शब्द का ये अर्थ कैसे कर सकते हो, तो देखो अगला शब्द देखो, धामन और अमृतम, आगे के दो शब्दों को देखो, धामन और अमृतम। अब यहां पर धामन शब्द से परमात्मा को कहा है और मोक्ष अमृतम के लिए कहा है, मोक्ष स्वरूप। धामन शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं, मोक्ष स्वरूप अर्थात मोक्ष को धारण करने वाले परमात्मा में, अमृतम मोक्ष को आनशानाह प्राप्त होके देवाह विद्वान लोग, आगे क्या है, अध्ययरयंता स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं वही परमात्मा,
वही अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। तो यहां पर धामन शब्द और अमृतम शब्द मोक्ष स्वरूप को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हैं, अब किस से छूटते हैं? ये यहां पर तृतीय शब्द का इसलिए सांसारिक सुख दुख से अत्यंत रहित, जिसको सांख्य दर्शन की भाषा में क्या कहते हैं, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, जिसको पुरुष के अर्थ, पुरुष का प्रयोजन अर्थात आत्मा का प्रयोजन। क्योंकि कब इसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरने का, अब ये स्वेच्छा पूर्वक का तात्पर्य क्या होता है, क्या स्वच्छंद रूप से, एक होता स्वतंत्र और एक होता स्वच्छंद, तो स्वच्छंद का मतलब मनमाने ढंग से, ऐसा स्वच्छंद या स्वेच्छा पूर्वक शब्द का देखो अर्थ, देखो स्व इच्छा, अपनी इच्छा से बंधन रहित हो जाता है, शरीर में होते हुए भी शरीर के ऊपर स्वामित्व स्थापित कर लेता है, मन के ऊपर स्वामित्व स्थापित कर लेता है, समस्त पदार्थों के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है, अर्थात इंद्रियों के अधीन नहीं होता, इंद्रियां इसके अधीन हो गई, ये मन के वश में नहीं है, मन इसके वश में, किसके, यही जो विद्वान है। अब देखो विद्वान शब्द का अर्थ क्या लेते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ाता है अर्थात अथवा शास्त्रों को पढ़ता है ना, ये तो बहुत स्थूल अर्थ है, ये तो बहुत जैसे कहते हैं ना मोटा मोटा, ये तो मोटा मोटा अर्थ है, इसमें व्यापकता है ही नहीं। विद्वान शब्द का मूल अर्थ होता है विद्यावान, और विद्या किसे कहते हैं, तो या विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वही है जो रिक्त कर दे, जो छुड़ा दे, किससे, जिससे हम छूटना चाहते हैं, सभी छूटना चाहते हैं, तो किससे छूटना चाहते हैं, तो कहा दुखों से। अब कितने दुख होते हैं ये प्रश्न आएगा कि भैया कौन कौन से दुखों से छूटना चाहते हैं, प्रत्येक जीव चाहता है ये मान लिया, कोई भी कष्ट नहीं चाहता, कोई भी प्रतिकूलता नहीं चाहता, क्योंकि द्वेष शब्द को भी देखो भगवान पतंजलि क्या कहते हैं, यानी प्रतिकूलता से बचना चाहता है, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता। तो यहां पर अब आ जाएगा कि ये दुख कौन कौन से हैं, तो तब हमें स्पष्ट करना पड़ेगा जो तीन प्रकार के दुख हैं सांसारिक। अब कौन कौन से तीन प्रकार के दुख, तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, ये तीन दुख हैं। अब इनकी अलग अलग वैरायटीज हो सकती हैं, कैटेगरी हो सकती हैं, लेकिन ये मुख्यता से कह दी संसार में तीन प्रकार के दुख हैं, संसार से या संसार में तीन प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, इसके लिए कहा तृतीय। अब देखो हम इसमें कैसे समाहित हो, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, इस मंत्र में हम कैसे स्थित हो जाएं, इस मंत्र से यदि उपासना हम करें तो उससे हमें किस फल की प्राप्ति हो सकती है। तो देखो सबसे पहले हम स्व इच्छा को समझ लेवे, कब समझ पाएंगे, जब इन तीन दुखों से विलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अथवा दूसरी बात कह रहा हूं, ये ऊंची स्थिति है, इससे थोड़ा सा डाउन आते हैं, यदि हमने इन तीन दुखों को ठीक ठीक समझ लिया तब भी हम उतने अंशों में स्वामी हो जाएंगे, बंधु हो जाएंगे, विद्वान हो जाएंगे। यदि समझ लिया और उनसे पृथक होने के लिए निरंतर कटिबद्ध हैं, प्रयत्नशील हैं, निश्चित हम देवाः
विद्वान हो जाएंगे, विद्यावान हो जाएंगे। और आगे की बात, जैसे परमात्मा सभी को भ्राता के समान सुखदायक है, वैसे ही जब हम स्व इच्छा को समझ लेवेंगे, जब हम इन तीन दुखों से, तीन प्रकार के ताप से, जिसको त्रिताप भी कहते हैं, इनसे जब हम पृथक होने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे, तब हम समस्त प्राणियों के लिए भ्राता के समान, ये मेरे सब भाई हैं, ये मेरे सब बंधु हैं, ये मेरे ही जैसे तो हैं, मुझ में और इनमें कोई कोई भेद नहीं है। जैसे कई लोग कहते हैं, आप बहुत अच्छा समझा देते हैं, भैया आप बहुत दिव्य हैं, ऐसा भी कोई लोग कहते हैं, कुछ विशेष नहीं है, कुछ भी नया नहीं है संसार में, आप बहुत निकृष्ट हैं, कोई नई बात नहीं है। हम सब कभी ना कभी इन स्थितियों से गुजर चुके हैं, इन स्थितियों को भोग चुके हैं, देख चुके हैं, प्रत्यक्ष कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। गंभीरता से देखो, जैसे चेतन तत्व मैं हूं, वैसे ही चेतन तत्व आप हो, और संसार का प्रत्येक, जिसको प्राणी शब्द से भी कह दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी के भीतर जो विद्यमान है चेतन तत्व, वैसा ही है जैसा मैं हूं। बस कुछ यात्रा में थोड़ा सा आगे गति कर चुका है, कुछ अभी थोड़ा सा पीछे, कुछ थोड़ा सा मध्य में, हम सब एक ही जैसे। ये बात जब समझ में आ जाती है, तब हम कैसे हो जाते हैं, मित्रस्य चक्षुषा, सन्यासी हो जाते हैं, सम्यक न्यासी, किसके, स्वयं के। इसको कहते हैं सन्यासी, जो स्वयं का सम्यक प्रकार से न्यासी हो जाता है उसे। ये कब समझ में आता है, जब मैं और अन्य किसी में कोई भेद नहीं, अर्थात एक दूसरी परिभाषा यहां पर उपस्थित हो रही है, स्वात्मवत, अन्यों के साथ सुख दुख हानि लाभ आदि में सदैव समान वर्ते, उसी को मनुष्य जानना, उसी को धार्मिक पुरुष जानना। विद्वान कोई भी हो सकता, धार्मिक सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। और एक और बात बताऊं इससे आगे बढ़कर के, विद्वान होना सरल है, धार्मिक होना कठिन है। क्योंकि धार्मिक होने की आधारभूत कसौटी ये है कि जो जाना है उसको आचरण में धारण करना ही पड़ता है, उसके अनुकूल जीवन जीना ही पड़ता है, इसलिए धार्मिक होना कठिन है। व्याख्या है तो हम भी तो देखो व्याख्या कर रहे हैं, किंतु जितना हम जानते हैं क्या वो सर्वस्व जी पाते हैं क्या, नहीं, सत्य कहता हूं बिल्कुल नहीं। क्या हमारे जीवन में यम नियमों का यथावत शत प्रतिशत पालन है क्या, नहीं है, सत्य बात है, नहीं। मैं विद्यावान हो सकता हूं, मैं जिस विद्या से समस्त दुखों से निवृत्ति हो ऐसी विद्या का उपदेश कर सकता हूं, प्रवचन कर सकता हूं, प्रकर्ष वचनों का कथन, इसे कहते हैं प्रवचन। किंतु किंतु 1,000 अथवा 1,00,000 अथवा करोड़ प्रवचनों से कहीं अधिक श्रेयस्कर है किसी एक सूत्र का आचरण। क्यों, इस बात को देख लीजिए, स्व इच्छा, ये जो प्रवचन है, ये जो उपदेश है, ये दूसरों के लिए बाद में होता है, ये स्वयं के लिए होता है। तो आप लोगों के लिए, जब कक्षा के अंत में हम कहते हैं ना, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, वस्तुतः जानते हैं उसके पीछे तो मूल यही है। आप लोगों की क्या इच्छा है वो तो मैं यथावत नहीं जानता,
किंतु आप लोग सम्मिलित हो जाते हैं, हम सब एकत्रित होकर के साझा स्वाध्याय करते हैं, तो आपकी उपस्थिति से, प्रभु की कृपा से मुझे विषय उपस्थित हो जाता है, बस इतना सा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। तो इसलिए भी कहते हैं, यदि मुझे ही परम शब्द से कहोगे तो परमात्मा के लिए क्या कहोगे, और मैं समस्त मनुष्यों को सामान्य माता से लेकर, सामान्य जीवन में सामान्य शिक्षक से लेकर के विद्वान और ऋषि पर्यंत, इन सबको, समस्त विद्याओं को, वेद पर्यंत सभी सिद्धांतों को मैं साधन किस लिए कहता हूं, इसीलिए कहता हूं। देखो कितना सुंदर है, सह कह न बंधु, वही परमात्मा है अपना बंधु, वही परमात्मा है अपना आचार्य, वही है अपना गुरु, वही है अपना राजा और वही है न्यायाधीश। संसार में ना तो हमारे साथ पूरी तरह न्याय होता है और ना ही हम संसार में पूरी तरह न्याय कर सकते हैं। जो अपने आप को गुरु समझते हैं, जितने अंशों में उनके भीतर गुरुता है, गुरुता कहते हैं भारी को, बड़े को, अर्थात जो विद्या में हमसे थोड़ा आगे हो, बस इतना, विद्या में जो हमसे थोड़ा आगे उसे हम गुरु शब्द से कहते हैं, अथवा विद्या में हमसे कोई पीछे भी हो ना, लेकिन उसका आचरण बहुत विशेष हो, दिव्य हो, उसको भी गुरु मानने में कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को गुरु रूप में स्वीकार करना ये बहुत जन्मों की साधना का परिणाम है। परमात्मा को आचार्य के रूप में वर्ण करना ये बहुत गहन साधना है। परमात्मा को ही एकमात्र राजा समझना, सर्वश्रेष्ठ राजा समझना, सर्वोत्तम, ये एक बहुत ऊंची दृष्टि है। और परमात्मा से बड़ा न्यायाधीश संसार में, पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, ये एक बहुत आध्यात्मिक गहनता का परिचय है। किंतु लोक का भी अनादर नहीं कर सकते, लोक में भी जो उपस्थित है उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, और प्रायः यही करते हैं, यही हम करते हैं, यही चूक हो रही है हमसे। इस चूक से हम उभर जाएं, कौन सी चूक है, परमात्मा को ही गुरु मानेंगे, अथवा संसार में उसको तो गुरु बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो हमारी जितनी हमने कसौटियां बना लिया उन कसौटियों पे खरा ना उतरता हो, सबसे पहले जिसने सत्यार्थ प्रकाश ना पढ़ा, सबसे पहले, भैया हम किसी की भी बात तब मानेंगे जब सबसे पहले उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और ऋषि दयानंद को सबसे अंतिम और सबसे प्रथम मानता हो, ये कौन सी कसौटी। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, स्पष्टता से कहता हूं, स्वामी प्रेमानंद नाम के एक व्यक्ति हैं, वर्तमान में मथुरा में रहते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा, ऋषि दयानंद को जानते होंगे लेकिन उनके सिद्धांतों आदि को बिल्कुल उस रूप में नहीं, कभी कथन भी नहीं करते, अपने आराध्य के रूप में ईश्वर के स्त्री स्वरूप को स्वीकार करते हैं, और उस स्वरूप में उन्होंने जिस नाम की साधना की, पहले भगवान शिव के भक्त रहे अपने जीवन के बहुत लंबे समय तक, और उसके उपरांत वर्तमान में पिछले कई दशकों से संभवतः भगवान के स्त्री स्वरूप का वर्ण करते हुए एक शब्द को सिद्ध किया उन्होंने अपने जीवन में, राधा, और इसी का ही उपदेश करते हैं। एक बार सुन करके, सहज रह करके देखना, उनकी बातों को सुन करके सहज रहने का प्रयास करना, देखो कितनी देर तक रह पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने द्वार बंद कर रखे हैं,
हमने पहले ही टर्म्स और कंडीशन चिपका रखी भैया, ये टर्म्स और ये कंडीशन है, अगर सबसे पहले इन पर खरा उतरना पड़ेगा आपको तब हम आपकी बात मानेंगे। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा तब आप आचार्य हो सकते हैं। कई लोग पूरे के पूरे यदि नहीं, ये थोड़ा सा पृथक चला जाएगा, स्पष्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा अस्पष्ट रखते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है अपने देश का, जिस वर्ग का, जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का, हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, हर क्षेत्र में, चाहे संन्यास परंपरा हो, चाहे गुरुकुल परंपरा हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सीधे क्या कहते हैं, मोदी से बड़ा बेकार व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। निस्संदेह मैं भी उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूं, किंतु फिर भी विकल्प क्या है आपके पास? वर्तमान में जिस प्रवाह में, जिस स्थिति में हम सब लोग खड़े हैं, आपके पास कोई विकल्प है उनसे उत्तम? स्पष्टता से कहेंगे नहीं, विकल्प नहीं है तो, लेकिन उन्हें सपोर्ट भी नहीं करेंगे। अपने अपने श्रम को, अपने सामर्थ्य को तुम व्यर्थ कर सकते हो, अपने सामर्थ्य को निकृष्ट, यानी यूं कहें कि अपने मोतियों को नाले में बहा सकते हो, लेकिन अपने मोतियों को तुम जल में नहीं बहाना चाहते। मोती का तात्पर्य अपना सामर्थ्य, अपनी ऊर्जा, जिसको आप अपना मत कहते हो, मत, जिसके लिए मतदान कीजिए, ऐसा प्रयोग होता है। तो विकल्प भी नहीं है, लेकिन मानेंगे भी नहीं, चुनेंगे भी नहीं। असहमति हो सकती है, किसी के साथ भी असहमति हो सकती है, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि हम विरोधी हो जाएं, हम उपद्रवी हो जाएं। उपस्थितम परितज्ञान उपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित की कल्पना में ही रहना और अपने उत्तम मोतियों को गंदे नाले में बहाते रहना, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है, ये कौन सा स्तर है आपका? तो जो भी ऐसा, कोई भी, यदि मैं भी ऐसा करता हूं तो हम विचार कर ले। तो परमात्मा को गुरु, आचार्य, राजा, न्यायाधीश, बंधु आदि हम जब स्वीकार कर पाएंगे तब स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि स्वीकार करने का तात्पर्य होता है सिद्ध कर लेना। केवल हमने मान लिया हाँ है, ये नहीं, ये मानना नहीं, वहां सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन लौकिक व्यवहार में, जीवन में जो उपस्थित हैं उनको तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, जितने अंशों में वो है। क्या हम कर सकते हैं क्या वो, जो वो कर पा रहे हैं? हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन हम किसी के ऊपर भी टिप्पणी दे सकते हैं। हमें उस व्यवहार का, हमें उस कार्य का, उस नेतृत्व का भले ही ना पता हो, लेकिन हम टिप्पणी दे देंगे, आवश्यकता ही नहीं है। आपकी टिप्पणी से, उस टिप्पणी से आप जो, या हम जो उस समय अपने आप को बुद्धिमान सिद्ध करना चाह रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। दिखावा आचरण को खा जाता है, किसी भी प्रकार का हो, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो। बस एक सीधी सी बात है, यदि आप स्वेच्छा को जानना चाहते हैं, यदि आप विद्यावान होना चाहते हैं, यदि आप आचरणवान होना चाहते हैं, तो दिखावा बंद कर दीजिए। और जैसे ही दिखावा बंद करेंगे तो आप बहिर्मुखी से हटते हुए अंतर्मुखी होना आरंभ कर जाएंगे। और जैसे ही कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होना आरंभ करेगा, अपने भीतर को समझना आरंभ करेगा, निश्चित बात है अब उसे एकाग्रता संपादित करनी होगी, अब उसे एकाग्रता भीतर से उसकी महक आएगी, गंध आएगी उसे कि मुझे एकाग्रता की गंध आ रही, लेकिन ये है क्या, मुझे चाहिए, अब इसके लिए यह प्रयत्न करेगा। और जब यह प्रयत्न करना आरंभ करेगा, बंधु होता चला जाएगा, संसार में रहते हो भी संसार में ना रहेगा,
संसार का रहते हुए भी संसार का नहीं होगा। अस्तु, तो हम सभी मनुष्य स्व इच्छा को समझ लेंगे और परमात्मा की ही कृपा से देखो भुवनों को धामों को हम जान पाते हैं। महर्षि जैगीशव्य नाम के ऋषि हुए, इनके विषय में कहा जाता है कि इन्हें एक सृष्टि का नहीं, इनके विषय में कहते हैं अनेकों सर्गों का इन्हें प्रत्यक्ष था, अनेकों सर्गों का। जैसे एक सृष्टि को एक सर्ग कहा जाता है, ऐसे ही इनके विषय में कहा जाता है कि हजारों सर्गों का इन्हें प्रत्यक्ष था एक जीवन में। अब ये कैसे संभव हो पाता है? तो वही जिसके लिए दो प्रकार की भूमियों को सिद्ध करना पड़ता है। कौन कौन सी भूमि? तो स्वीकार करना दूसरा है और सिद्ध करना दूसरा। जैसे मैंने कहा कि परमात्मा को गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश बंधु जनिता आदि, ये स्वीकारना सहज है, सरल है, किंतु स्वीकारने का तात्पर्य सिद्ध करना है। जैसे इसको आप यूं समझ लीजिए और बस विराम देते हैं, जैसे चित्त की पांच भूमियां हैं, उन पांच भूमियों में योग है, किंतु केवल अंतिम दो भूमियां योग पक्ष में आती हैं। कौन से योग में? तो योग समाधि। पांचों भूमियों में समाधि है, किंतु केवल दो भूमियों की समाधि को योग पक्ष में लिया जाएगा। और वो कौन कौन सी है? तो एकाग्र और निरुद्ध भूमि। तो इसी जो एकाग्र भूमि है, इसमें संप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। इसमें 25 तत्वों का प्रत्यक्ष कर लेता है पुरुष। और जो असंप्रज्ञात है, इसमें जो जानना था वो हो गया। यहां से इस असंप्रज्ञात समाधि से सिद्ध करता है नित्यता को, मुक्तता को, बुद्धता को। अभी कई दिनों पूर्व अभी बुद्ध पूर्णिमा मनाई। किस रूप में मना रहे हो? बोध जिसको हो जावे, और बोध की पूर्णिमा यानी बोध कहते हैं ज्ञान को, अनुभूति को, प्राप्ति को। कितना बोध हुआ हमें, कितना हमें बोध हो रहा है अभी तक, हम कितनी अनुभूति कर पाए, समाधि के कौन से स्थान तक पहुंच पाए, अथवा अथवा सामान्य एकाग्रता का भी बोध हुआ। माना हम बुद्ध पूर्णिमा रहे हैं, तो बुद्ध पूर्णिमा बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय है। ये बुद्ध पूर्णिमा भीतर घटित होती है। बाहर ढूंढते फिर रहे हो, क्या शुभकामनाएं दे रहे हो और किसको दे रहे हो, किसकी दे रहे हो? बोध जिसको हो जावे उसे कहते हैं बुद्ध। तो आत्मा को बुद्ध भी कहा जाता है। केवल एक जो भगवान बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हुए, उनके नाम पर ही बुद्ध पूर्णिमा मनाना, ये तो बहुत बालकपन की बात है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक चेतन बुद्ध ही है, क्योंकि जानने की इच्छा करने वाला है। इसलिए परमात्मा को भी नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध कहा जाता है, और आत्मा को भी, इस अल्पज एक देशी आत्मा को भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त कहा जाता है। इसलिए ठीक है, तो बुद्ध पूर्णिमा स्वयं के भीतर घटित करनी होती है, और जब स्वयं के भीतर बोध की पूर्णिमा घटित हो जावे, हो गई बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। तो जब हम बुद्ध बन जाएंगे, बुद्धू में और बुद्ध में एक उकार का अंतर है, तो अभी जो है ना बहिर्मुखी और ये कथन और ये सब जितना, ये बुद्धू वाली स्थिति है। बस उकार को हटा देना है, केवल ऊ इसको हटा देना है,
और बुद्ध बन जाना है। और बुद्ध कब बन जाएंगे? जिस दिन बुद्ध बन जाएंगे, जिस दिन बोध हो जाएगा। किसका? स्व का। स्व का बोध हो जाना ही पुरुषार्थ है। स्व का बोध हो जाना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। त्रिविध दुखों से इतना ही। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए, अन्यथा कक्षा को यही विराम देते हैं। नहीं है? ठीक है, चलिए एक बार प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांति। बहुत बहुत आचार्य जी, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य।